अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर की तीसरी सीजन के बोनस एपिसोड ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस एपिसोड में मुन्ना भैया की झलक देखकर फैंस उत्साहित हो गए, लेकिन एपिसोड की कहानी ने उन्हें निराश कर दिया। सीरीज के बोनस एपिसोड में मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु शर्मा की वापसी ने फैंस के बीच उत्सुकता तो जगाई, लेकिन जब एपिसोड में केवल डिलीटेड सीन्स दिखाए गए तो दर्शकों को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। दर्शकों को उम्मीद थी कि मुन्ना भैया की धमाकेदार वापसी देखने को मिलेगी, लेकिन यह एपिसोड भी ठंडा साबित हुआ। हालांकि मिर्जापुर के सच्चे फैंस मुन्ना भैया की झलक देखकर भी खुश हो गए। वहीं शो में कालीन भैया की दूसरी पत्नी और मुन्ना भैया की सौतेली माँ का किरदार निभाने वाली रसिका दुग्गल यानी बीना त्रिपाठी का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान रसिका से मिर्जापुर 3 को मिले रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, जब किसी शो के 3 सीजन वफादार और प्रतिबद्ध दर्शकों के साथ होते हैं तो शो पर उनका उतना ही हक होता है। दर्शकों ने सीजन 3 को पसंद किया है और कुछ ने टिप्पणी की है कि यह उनकी उम्मीद से अलग था। मुझे लगता है कि हर तरह का रिएक्शन स्वागत योग्य है। गौरतलब है कि मिर्जापुर की पहले 2 सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद 4 साल का इंतजार के बाद मिर्जापुर 3 रिलीज किया गया था, लेकिन इस सीजन को दर्शकों से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। अमेजन प्राइम इंडिया ने हाल ही में रसिका और अली फजल यानी गुड्डू पंडित की कुछ तस्वीरें साझा की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों ने फैंस के बीच कयासों का दौर शुरू कर दिया कि क्या ये दोनों कुछ नया ला रहे हैं। इस पर रसिका ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि मिर्जापुर के बारे में हर पोस्ट आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बातचीत शुरू करती है। हमारे पास सबसे अच्छे दर्शक हैं।